फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो कोई फैशन से रिलेटेड नहीं है, कोई मेकअप से रिलेटेड नहीं है। आज का वीडियो है हमारे टेस्ट से रिलेटेड। आज मैं आपको दिखाऊंगी द वर्ल्ड्स मोस्ट डिलीशियस जापानीज चॉकलेट्स। ये मेरी फेवरेट चॉकलेट्स हैं। मैं जब भी किसी मॉल में जाती हूँ तो ये लिए बिना मैं नहीं आ सकती, ये तो फॉर श्योर है। सो कौन सी चॉकलेट्स की मैं बात कर रही हूँ वो मैं आपको तब बताऊंगी जब आप सब्सक्राइब करोगे मेरे चैनल। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। गाइज, मैं बात कर रही हूँ रॉयस की जापानीज चॉकलेट के लिए कि रिगार्डिंग मेरी सबसे फेवरेट चॉकलेट्स हैं ये। आपने कितनी भी चॉकलेट्स खाई हो ना, आप एक बार रॉयस की चॉकलेट्स खा के देखो, यू विल फॉल इन लव विद दीज चॉकलेट्स। मैंने मंगवाए हैं दो फ्लेवर्स, मैं आपको दिखाती हूँ इनकी पैकेजिंग कितनी अच्छी है। वैसे ही आपको किसी भी मॉल में मिल जाएंगे, आप किसी भी अच्छे से मॉल्स में जाएंगे वहाँ पे आपको बहुत इजीली मिल जाता है। शेल्फ लाइफ इनकी होती है 30 डेज़ की, उससे ऊपर ये नहीं चलती, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाती है। आई डोंट नो, मे बी शायद इनका फ्लेवर या टेस्ट चेंज हो जाता है या क्या हो जाता है, लेकिन हमारे घर में तो खैर 30 डेज़ से ऊपर वैसे भी नहीं चल सकती। 20 पीसेस का इसकी पैकेजिंग होती है। पैकेजिंग कैसे है मैं आपको दिखाती हूँ। सिल्वर कलर का ये इसका फॉइल रैप है, रैपर बहुत मोटा है और इसके अंदर थर्मोकोल वगैरह भी फिट किया हुआ है इन्होंने, क्योंकि ये मेल्ट ना हो जाए तो इसकी प्रॉपर पैकिंग की जाती है। इसके अंदर होता है ये आइस पैक जो कि इस चॉकलेट को रखता है ठंडा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि चॉकलेट्स दिखती कैसी हैं। सो इस तरह की पैकेजिंग में ही आता है। मैंने दो फ्लेवर्स मंगवाए हैं, मैं दोनों आपको दिखाती हूँ। सो फर्स्ट जो मेरा फ्लेवर है वो है नामा चॉकलेट रॉयस का, वो है घाना बिटर। जो भी डार्क चॉकलेट्स जिनको पसंद है वो उनको बहुत पसंद आएगा ये फ्लेवर। लिकर फ्री है ये, सबसे बड़ी बात है। और इस तरह से 20 पीसेस की पैकेजिंग में ही आता है। साथ में इसका स्पैटुला है जिससे आप इसकी सर्विंग लेंगे, क्योंकि जो इसके पीसेस हैं ना वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप उसको उठाएंगे ना, उठाने में ही वो टूट जाता है, तो आपको इस स्पैटुला की हेल्प से उसको उठाना होता है। इस तरह के प्लास्टिक के बॉक्स में ही आता है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। इस तरह से आएगा, इसका शक्ल इसकी देख लो आप, इसका कलर देख लो चॉकलेट का, मतलब वैसे ही मुँह में पानी आ जाता है। इस तरह से आपको इसको जस्ट इस स्पैटुला की हेल्प से उठाना है इस तरह से और खाना है। जब तक मैं आपसे बात करूंगी ना गाइज, ये मुंह में मेल्ट हो जाएगी। सो इसके अलावा जो दूसरा मैंने फ्लेवर मंगवाया है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। सो जो दूसरा मेरा फ्लेवर है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। वो भी सेम इसी तरह की पैकिंग में आएगा, लेकिन उसका थोड़ा सा फ्लेवर क्योंकि डिफरेंट है तो उसकी पैकेजिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, कलर बॉक्स का कलर, बाकी सब कुछ सेम है। सो वही आइस पैकेजिंग पैक होगा इसके अंदर इसको ठंडा रखने के लिए। और जो फ्लेवर मैंने मंगवाया है वो है नामा चॉकलेट हेजलनट। रॉयस ब्रांड है, लिकर फ्री चॉकलेट्स हैं ये। सेम इसी तरह से जिस तरह से पहले वाला मैंने आपको दिखाया बॉक्स, उसी तरह से होता है। 20 पीसेस इसके अंदर होंगे और ये आपने 30 डेज के अंदर अंदर खत्म करना है। 30 डेज के बाद ये एक्सपायर हो जाएंगी। इस स्पैटुला की हेल्प से आपको ये चॉकलेट्स खानी है। प्राइस थोड़ा सा हायर रेंज पे है, जो लोग चॉकलेट लवर्स हैं उनके लिए आई थिंक प्राइस मैटर नहीं करता। जैसे कि ये जो चॉकलेट है जापानीज चॉकलेट, ये इसका जो प्राइस मैंने पे किया वो है 1200 ईच। तो अगर आप किसी मॉल में नहीं जा सकते तो आप स्विगी के थ्रू भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। बट ट्रस्ट मी गाइस, एक बार आप टेस्ट करके देखना, यू विल फॉल इन लव विद दीज चॉकलेट्स। सो मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ इन चॉकलेट्स की। मैंने तो अपने दोनों फ्लेवर्स मंगवा लिए हैं, मैं इनको इन्जॉय करने वाली हूँ फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ तक। सो आई एम सॉर्टेड फॉर माई चॉकलेट्स एंड ऑल। बाकी मुझे अच्छा लगा था कि मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ इसका रिव्यू। वैसे भी अब लॉकडाउन वगैरह लगा हुआ है, आप लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, सो घर पर रहकर और अच्छा कुछ खाने की क्रेविंग करती है, मन करता है। सो मैंने अपने लिए मंगा लिया, आप चाहो तो आप भी स्विगी से ऑर्डर कर लो। इसके लिए लिंक मैं नहीं दे सकती, क्योंकि स्विगी पे आप जाओ, वहाँ पे आप लिखो रॉयल्स चॉकलेट्स, वहाँ पे आपको इसका दिख जाएगा। जो फ्लेवर मैंने ऑर्डर किया है वो है घाना बिटर। वो उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग डार्क चॉकलेट पसंद करते हैं। और एक मैंने मंगवाया हेजलनट, ये भी थोड़ा सा डार्कर साइड पे होगा, लेकिन इसका फ्लेवर थोड़ा सा डिफरेंट है। मुंह में जाते एकदम मेल्ट हो जाता है और बस आप भूल जाओगे सब कुछ। सो एक बार ट्राई करने की, आप एक बार ट्राई जरूर करके देखो मेरे कहने पर। बाकी होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड नाइट।